बात करेंगे बुलेटिन की राजधानी की खबर के साथ। राजधानी में भोपाल में फूड लवर्स की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। 6 नवंबर हॉकर्स कॉर्नर पर बड़ी कार्रवाई हुई है, माफ कीजिएगा, 6 नंबर हॉकर्स कॉर्नर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य एवं औषधि विभाग की तरफ से कार्रवाई हुई है। गंदगी के चलते 4 दुकानों को बंद भी कराना पड़ा है। दुकानों पर गंदगी के बीच बनाया जा रहा था खाना। 3 दुकानों के पास जरूरी लाइसेंस भी नहीं थे। मामले में लगातार जांच अभी भी चल रही है। और साथ ही आपको बता दें कि इस बार कोर्ट में इस पूरे मामले को भेजने की तैयारी भी विभाग कर रहा है। तो लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, फूड लवर्स की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। 6 नंबर हॉकर्स कॉर्नर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य एवं औषधि विभाग ने कार्रवाई की है और गंदगी के चलते 4 दुकानों को बंद भी कराना पड़ा है। गंदगी के बीच खाना बनाया जा रहा था, पुराना तेल और फिर बर्तन गंदे, गैस स्टोव गंदा, इस पूरे इलाके में नाली के ऊपर दुकान छोटी सी, और यहां पर तमाम जो फूड लवर्स हैं वो आते हैं। कॉकरोच और इस तरह के कीड़े जो हैं दिखाई दिए हैं। देखिए आप, ये सीधे तौर पर सेहत से खिलवाड़ है। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, इतनी गंदगी के बीच खाना पकाया जा रहा है, ये वाकई में सेहत से खिलवाड़ किया गया है, क्या कार्रवाई की गई अब? निश्चित तौर पर देखिए, राजधानी भोपाल का बहुत ही प्रसिद्ध हॉकर्स कॉर्नर है 6 नंबर, और यहाँ पर शाम के समय मैं आपको बता दूं, ये आलम होता है कि इस हॉकर्स के सामने से वाहनों को गुजरने में तकलीफ होती है, ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो जाती है। इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, और इसलिए पहुँचते हैं क्योंकि इन हॉकर्स संचालकों पर उनका भरोसा रहता है कि ये हमसे पैसे ले रहे हैं और सही जो प्राइस ले रहे हैं उसके बदले हमें ये अच्छा खाना, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसके विपरीत जब कल खाद्य विभाग की टीम यहाँ पर पहुँची और कार्रवाई की गई तो बड़ी संख्या में गंदगी पाई गई। कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, नाली के ऊपर खाने बनाने जैसी स्थिति, पुराने तेल में खाना बनाने जैसी स्थिति, कई बार एक ही तेल में चीजों को फ्राई करके परोसने जैसी जो स्थिति है वो सामने आई। और इसके अलावा ये भी पता चला है कि जो खाद्य सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे थे वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो सामान होते हैं उसकी वो नहीं बताई जा रही है। तो उसको लेकर भी अब जांच पड़ताल होगी, बड़ी कार्रवाई की गई है। 4 दुकानों को सील कर दिया गया है और इस पूरे प्रकरण को जो खाद्य विभाग की टीम है वो कोर्ट में भी ले जाने की तैयारी है, जहां पर इन दुकान संचालकों के खिलाफ 5 लाख रुपए तक का जो जुर्माना है वो लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर पहले भी कई बार 6 नंबर हॉकर्स कॉर्नर पर गंदगी में खाना पकाए जाने की और परोसने की जो शिकायतें हैं वो सामने आती रही हैं, और उसके बाद अब खाद्य विभाग की टीम की ओर से इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया, बड़ी कार्रवाई की गई। निश्चित तौर पर ये फूड लवर्स की सेहत से खिलवाड़ है ही, लेकिन उससे बड़ा खिलवाड़ ये ग्राहकों के भरोसे से है जो बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचते थे और लगातार जो है वहां पर जाकर अलग अलग तरीके के जो व्यंजन है जो परोसे जाते थे उनका लुफ्त उठाते थे। लेकिन अब हकीकत, अब सच्चाई सामने आई है कि किस तरह से गंदगी के आलम में ये पूरा खाना बनाया जाता था और परोसा जाता था। उम्मीद ये की जा सकती है कि इस कार्रवाई के बाद और ये तस्वीरें सामने आने के बाद फूड लवर्स भी जागरूक होंगे और जब किसी दुकान पर जाएंगे तो वहां पर पहले ये सुनिश्चित करेंगे कि कितनी साफ सफाई से और बेहतर तरीके से वहां पर खाना बनाया जा रहा है, परोसा जा रहा है, तो ही वो उस दुकान से खाना लेंगे, उस हॉकर से खाना लेंगे। और हॉकर संचालकों को भी जरूर अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, और जब वो किसी अपने बिजनेस को वो रन कर रहे हैं और कोई भी चीज के बदले में एक अच्छा खासा दाम लोगों से ले रहे हैं, ग्राहकों से ले रहे हैं, तो उतनी क्वालिटी उनको प्रोवाइड की जो है अपने दुकानदार से एक भरोसे पर ही चीजें खरीदता है, पैसे देता है, लेकिन अगर इस तरीके से सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है तो वाकई में कार्रवाई की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ग्वालियर की, जहां डबल मर्डर से सनसनी का माहौल है। 2 लोगों की पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी गई, एक युवक और एक दिव्यांग की हत्या हुई है। मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, कंपू पुलिस मौके पर मौजूद है। देहात के शीतला माता रोड की ये वारदात बताई जा रही है। 2 लोगों की हत्या से सनसनी है, 2 लोगों का मर्डर किया गया है और दोनों ही लोगों की पत्थर से कुचल कर हत्या की गई है। किस बात को लेकर विवाद हुआ ये नहीं अब तक पता चल सका है। एक युवक और एक दिव्यांग की
हत्या की गई है। मृतकों की शिनाख्त अभी की जा रही है, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। देहात के शीतला माता रोड की ये वारदात है। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र के शीतला माता इलाके में सड़क के किनारे दो लोगों की लाश मिली और लोगों ने इस बात की सूचना दी थी। सूचना मिलने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो एक युवक और एक दिव्यांग अधेड़ की लाश वहां पड़ी हुई थी। इसके अलावा इन दोनों को जो है पत्थरों से कुचलकर हत्या की गई थी। इस तरह का घटनास्थल पर देखने के बाद पुलिस को कथित हुआ और यही वजह है कि जब पुलिस ने इनकी शिनाख्त का प्रयास किया तो अभी दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आसपास पुलिस ने सूचना की है। इसके अलावा ये भी तलाशा जा रहा है कि घटनास्थल के आसपास किस तरह की क्या परिस्थितियां रही है, तो पुलिस अब इस मामले की जांच करे, लेकिन सबसे पहले मृतकों की शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि शिनाख्ती के बाद ये साफ हो पाए कि कौन है और उसके बाद फिर किन लोगों ने इनकी हत्या की है। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग का आज से आगाज हो रहा है। सीएम मोहन यादव एमपीएल का शुभारंभ करेंगे। मंत्री सिंधिया और बीसीसीआई सचिव जय शाह भी मौजूद रहेंगे। एमपीएल में इस बार 5 टीमें हिस्सा लेंगी। ग्वालियर चीता, मालवा पैंथर खेलेंगी, जबलपुर लायंस और भोपाल लेपर्ड, रेवा जागुआर्स भी मैदान में होंगी। दर्शकों के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी गई है। मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग आईपीएल की तर्ज पर अब एमपीएल होगा। मध्य प्रदेश के क्रिकेट लवर्स के लिए ये बहुत अच्छी और खुशखबरी है कि अब वो निःशुल्क इस ग्राउंड में प्रवेश कर पाएंगे और साथ ही अलग अलग टीमों के बीच मुकाबला भी देख पाएंगे। भोपाल से खबर है जहां भूख हड़ताल पर बैठे एनएसयूआई कार्यकर्ता बरकतुल्ला विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कुलपति के केबिन के बाहर छात्र रात भर प्रदर्शन करते नजर आए। एमफार्मा कोर्स की परीक्षा कराने की मांग चल रही है कि एक साल से नहीं हुई है परीक्षा। कुलपति पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कई आरोप भी लगाए हैं। वहीं शाजापुर में कार में भीषण आग लग गई। आग लगने के समय कार में कोई भी मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। शहर के पटेल गार्डन के सामने ये घटना हुई है और उस वक्त गनीमत ये रही कि कार में कोई भी मौजूद नहीं था। कार आग के हवाले हो गई। खड़ी कार में अचानक से आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश में मॉनसून का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 दिन में एमपी पहुंच सकता है मॉनसून। शहडोल होते हुए राजधानी भोपाल की ओर भी बादल बढ़ेंगे। प्री मॉनसून एक्टिविटी में लगातार तेजी आ रही है और बीते 24 घंटों में 31 शहरों और कस्बों में बारिश हुई है। बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मॉनसून बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। बारिश का इंतजार करने वालों के लिए यह खुशखबरी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है मॉनसून को लेकर और अभी मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जाहिर किया गया है। बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून जैसे ही दस्तक देगा अच्छी खासी बारिश होगी प्रदेश में और गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, मॉनसून को लेकर क्या जानकारी? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में भीषण बेतहाशा गर्मी पड़ी है और उसके बाद लोग अब राहत की बारिश को की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। अब उनका इंतजार जल्द ही पूरा होगा। मॉनसून का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। 15 तारीख आज है, 18 तारीख के तक 18-19 तारीख तक मध्य प्रदेश में मॉनसून के प्रवेश करने की जो जानकारी है वो मौसम विभाग की ओर से दी जा रही है, यानी कि 3 से 4 दिनों का और बस लोगों को इंतजार करना है। लेकिन इस सबके बीच अच्छी खासी प्री मॉनसून एक्टिविटीज़ जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो
लगभग 31 शहरों में और कस्बों में अलग अलग इलाकों में बारिश की जो बूंदें हैं वो जमकर बरसी हैं, और इसके अलावा आंधी तूफान भी कई इलाकों में चला है, बादल जो हैं वो छाए रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी इसी तरीके का कुछ मौसम है वो बना रहा है, और अब ऑरेंज और येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, यानी कि कई शहरों में आज भी बारिश, पानी, आंधी तूफान, गरज चमक के साथ जो बिजली कड़कने की जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखी जाएंगी। और 3 दिनों के बाद मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से जो मानसून है वो आ जाएगा, और फिर धीरे धीरे मानसून पूरे मध्य प्रदेश को कवर अप करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और इस बार सामान्य बारिश का जो अंदाज़ा है वो मौसम विभाग की ओर से जताया गया है, तो अच्छी बारिश होना ज़रूरी भी है अंशिका, क्योंकि जब अच्छी बारिश होती है तो जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, चाहे नदियाँ हों, तालाब हों या ग्राउंड वाटर लेवल की बात करें, तो वो भी रिचार्ज होता है, जिससे आने वाले समय में खासतौर पर गर्मी के सीज़नों में पानी की जो आपूर्ति है वो होती है, और पानी की कमी जैसी जो समस्या है वो सामने नहीं आती। कृषि के लिहाज से भी अच्छी बारिश होना बेहद ज़रूरी होता है, और ये भी देखने में आया है कि लगातार अच्छी बारिश के लिए अब प्रार्थनाओं के, हवन यज्ञ के जो दौर हैं वो भी शुरू हो गए हैं, और उम्मीद भी बिल्कुल। और इस प्रचंड गर्मी के बीच लोगों की एक ही आस है कि राहत मिलेगी तब जब बारिश अच्छी खासी होगी, और मानसून को लेकर काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया वासु फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। दुर्ग की भी बात करेंगे, जहां दुर्ग से खबर है कि बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी से मारपीट की है। बदमाशों ने जान से मारने की धमकी तक दी है। आपसी विवाद में मारपीट हुई और भिलाई के रुआबांधा क्षेत्र की यह घटना है। बदमाशों ने घर में घुसकर पति और पत्नी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी तक दी। कोरबा में हाथी का आतंक है। हाथी के आतंक का वीडियो भी सामने आ चुका। दंतैल हाथी ने गांव में घुसकर उत्पात मचाया है। घर के लोग जान बचाकर बाहर निकले, जंगल में घूम रहा 20 हाथियों का दल। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और हाथियों की निगरानी भी कर रही है। तो वहीं दुर्ग में लाखों की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। 24 लाख से भी ज्यादा ठगे गए हैं। शेयर ट्रेडिंग और आईपीओ में मुनाफे का लालच देकर ठगी की गई है। दुर्ग में साइबर ठग इन दिनों काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और ऐसे में ठगी कर रहे हैं। अब लाखों की ठगी की गई है मुनाफे के नाम पर। आईपीओ और शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा के लालच में 24 लाख रुपए ठगे गए हैं। सूरजपुर में स्वास्थ्य विभाग ने जांच अभियान चलाया है। मेडिकल स्टोर और क्लिनिकों की जांच की गई। अभियान के लिए संयुक्त टीम बनी है और 6 मेडिकल स्टोर्स पर संयुक्त टीम ने जांच अभियान चलाया है। अवैध क्लिनिक संचालित करने का आरोप है कुछ क्लिनिक्स पर। संचालक के खिलाफ नोटिस जारी की गई है और सीएमएचओ के निर्देश पर यह जांच अभियान चलाया गया। एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें प्रेमिका ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। प्रेमिका का हंगामा और प्रेमी का खौफनाक इंतकाम। प्रेमी अपनी बीवी के साथ मिलकर प्रेमिका की हत्या की साजिश रचता है। 1.5 साल बाद खुला हत्यारे प्रेमी का राज, देखिए आप भी। कातिल बदलता रहे ठिकाना, सरेआम बेइज्जती और इंतकाम। प्रेमी की पिटाई प्रेमिका की जान पर बनाई। प्रेमिका का कत्ल बीवी ने दिया साथ। 1.5 साल बाद खुला राज।
प्रेमी की बेइज्जती बदलापुर। डेढ़ साल से सीमा खान की मर्डर मिस्ट्री एक रहस्य बनी हुई थी। ग्वालियर की रहने वाली सीमा की लाश मुरैना के सीता बसैया थाना इलाके में मिली, कुतवार डैम के पास। झाड़ियों में लाश की पहचान करना चुनौती था। लाश के फोटो वायरल किए गए, पहचान हुई, लेकिन डेढ़ साल से सीमा खान की हत्या का राज राज ही था। सवाल था कि ग्वालियर के रहने वाली सीमा खान आखिर मुरैना क्यों आई, किसके साथ आई? 1 नवंबर 2022 को, लगभग आज से डेढ़ साल पहले, एक डेड बॉडी मिली थी कुतवार डैम के पास में। वो उस पर से मर्ग कायम किया गया। तमाम समय तक प्रयास करने पर उसकी, जो कि चूँकि अज्ञात महिला का शव था, इतना था, तो उसकी शिनाख्त के लिए तमाम प्रयास हुआ। और विवेचना के दौरान, मर्ग जांच के दौरान, ये तथ्य समझ में आया कि ये मृतिका सीमा खान, पत्नी अनवर खान है, जो पुरानी छावनी ग्वालियर की रहने वाली हैं। सीमा शादीशुदा थी, जिसके ससुराल वालों ने एक शख्स पर शक जाहिर किया। हैरानी की बात ये थी कि जिस शख्स पर शक जताया जा रहा था, उसके घर दबिश तो दी गई, लेकिन वो मिला नहीं। यही बात पुलिस को भी खटक रही थी। इस मामले में एक और हैरान करने वाली बात थी, बार बार वो संदिग्ध ठिकाना बदल रहा था, घर बदल रहा था, यानी किसी भी घर में आरोपी ज्यादा देर नहीं रुकता। हर 2 महीने में अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था। उसमें ये पता चला कि एक परिवार लगातार, जिसपे संदेह था, वो मकान छोड़ के रह रहा है। कभी 2 महीने कहीं रहता है, फिर मकान छोड़ देता है, फिर 2 महीने कहीं रहता है। तो कुल मिलाकर के फिर वो मुखबिरों से सूचना के आधार पर उन व्यक्तियों को पकड़ा गया। इधर पुलिस को इनपुट मिला कि आरोपी अपने परिवार के साथ मुरैना में आकर रुका है। दबिश दी गई और फिर जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। इस कत्ल में आरोपी, आरोपी की पत्नी और बेटा शामिल है। और जब पकड़ा गया तो उनने पूरी घटना को बोली। उसमें ये घटनाक्रम निकल के आया कि ये जो मृतिका थी, इसके अवैध संबंध मोहल्ले के किसी व्यक्ति के साथ थे, क्योंकि मृतिका भी शादीशुदा थी और जो व्यक्ति है वो भी शादीशुदा था, उसके बच्चे बड़े थे। तो ऐसी स्थिति में जब महिला ज़्यादा दबाव बनाने लगी कि शादी करो मुझसे, तो उस आदमी ने तंग आकर के जो है उसको मना किया। और एक दिन वो महिला उसके घर पहुँच गई, वहाँ जा करके इसने पूरे मोहल्ले के सामने इसको गाली गलौज की और चप्पल मार दी, तो इससे इसकी बेइज्जती हुई। कत्ल के पीछे की वजह, प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा। आरोपी और सीमा खान के बीच अवैध संबंध थे। प्रेमिका ने प्रेमी के घर पहुंचकर उसकी बेइज्जती की, पिटाई की। आरोपी प्रेमी ने पत्नी और बेटे के साथ मिलकर प्रेमिका के कत्ल का प्लान बनाया। सारा वाकया इसके परिवार जनों और बच्चों के सामने हुआ था, तो इन सब ने मिलकर प्लानिंग करके इसको ठिकाने लगाने का सोचा। और फिर जो है इसको मार करके लोग जो है कुतवार डैम के पास में ले गए। तो संपूर्ण घटनाक्रम में जो मृतिका है, उसका जो प्रेमी, जिससे उसके अवैध संबंध थे, वो, उसकी पत्नी और उसका बेटा, यानी कि 3 जो है एक ही परिवार के 3 सदस्य इस घटना में शामिल हैं। प्रेमी की बेइज्जती का ये बदलापुर रोंगटे खड़े करने वाला है। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दुर्ग में पति ने पत्नी की हत्या कर दी और बाद में खुद ने भी फांसी के फंदे से झूलकर जान दे दी है। दुर्ग जिले के खोपली गांव की घटना है। पति पत्नी के बीच आपसी विवाद कारण बना और जान दे दी है पति ने खुद भी। मिथिलेश ठाकुर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, पूरा मामला क्या है? मामला दुर्ग जिले के ग्राम खोपली में बीती रात तो घटित हुआ है, जब पति ने अपनी पत्नी पर रापा से वार कर उसे मौत की घाट सुला दिया और स्वयं फांसी के फंदे पर झूल गया। ये पूरा मामला जो है वो आपसी विवाद का नजर आ रहा है। दोनों के बीच में आपसी विवाद हुआ था और उसके बाद ये घटना घटित हुई थी। देर रात में ही ये घटना का पता चला, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है, लेकिन प्राथमिक रूप से यही पता चला है कि दोनों के बीच में विवाद हुआ था और विवाद ही हत्या का कारण बना है। दोनों खेती किसानी का काम करते थे, कल सुबह से गए हुए थे और देर रात शाम को वो वापस लौटे, उसके बाद दिखे नहीं थे, तो कहीं ना कहीं उनके नजर नहीं आने के कारण गुम होने की भी ऐसी खबर लग रही थी। जब उनके घर में जब कमरा बंद था, जब वहां पर झांक के देखा गया तो दोनों ही एक फांसी में फंदे में झूलता हुआ नजर आया, तो दूसरे की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस को सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और बाकी परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। पंद्रह करोड़ 15 घंटे ऑपरेशन गेम ओवर।
हाईटेक सट्टे का ये वो खुलासा है जिसका इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया है। मास्टरमाइंड के घर जब पुलिस ने रेड मारी तो नोटों के बंडल देख पुलिस वाले भी हैरान थे। आप भी देखिए पंटर पर पुलिस का हंटर, सट्टे के खेल के और कितने किरदार। सात देशों की विदेशी मुद्रा जिसमें कि पाउंड, डॉलर, दिरहम वगैरह शामिल है, वो बरामद की गई जिसकी वैल्यूएशन भी लाखों रुपए है। हाईटेक सट्टा इंटरनेशनल कनेक्शन, बिल्डर के घर पुलिस की रेड, पंटर पर पुलिस का चला हंटर, बुकीज की बाजी बेनकाब, सट्टे के शातिर खिलाड़ी बोल्ड। ₹15 करोड़ 15 घंटे, ऑपरेशन गेम ओवर। गुनाह की पिच पर करोड़ों का खेल, करीब 15 करोड़ का कैश, जिन्हें गिनने के लिए बकायदा मशीन मंगाई गई। 11 बैग में 15 करोड़, मुनाफे का वो खेल जिसके शातिर खिलाड़ियों को पुलिस ने बोल्ड किया। तो ऑपरेशन गेम ओवर की इनसाइड स्टोरी आपको तफसील से बताते हैं। उज्जैन की क्राइम ब्रांच, साइबर टीम, नीलगंगा थाना और खाराकुवा थाना पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। एक ही रात में दो जगह रेड मारी गई। पहला ठिकाना था बिल्डर पीयूष चोपड़ा का घर मुसद्दीपुरा और दूसरा ठिकाना जहां से ऑपरेट हो रहा था सट्टा कारोबार, नीलगंगा थाना इलाके का 19 ड्रीम्स कॉलोनी। इसी संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति पीयूष चोपड़ा बड़े स्तर पे सट्टे का जो ऑनलाइन कारोबार ये कर रहे हैं, इसको पिछले एक दो दिनों में डेवलप किया गया और कल देर रात से पुलिस की टीमों ने उज्जैन में दो तीन जगहों पे दबिश की है, जिसमें मुसद्दीपुरा जो थाना खाराकुवा क्षेत्र में आता है और 19 ड्रीम्स कॉलोनी जो थाना नीलगंगा में आता है, यहाँ दबिश करके और बहुत बड़ी मात्रा में 14 करोड़ 58 लाख रुपीज कैश के रूप में बरामद किया गया है। सात देशों की विदेशी मुद्रा जिसमें कि पाउंड, डॉलर, दिरहम वगैरह शामिल है, वो बरामद की गई जिसकी वैल्यूएशन भी लाखों रुपए में हुई। पुलिस को खबर लगी थी इस इंटरनेशनल सट्टे की। बिल्डर के घर जब दबिश दी गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए, करोड़ों का कैश बरामद हुआ। अब कैसे चलता था ये खेल ये भी सुनिए। पीयूष चोपड़ा का इंटरनेशनल कनेक्शन है जिसने 3 राज्य से पंटर हायर किए। जो दाव लगाने में माहिर है उन्हें हाईटेक तरीके से दाव लगाना सिखाया भी। वर्ल्ड कप और दूसरे खेल में सट्टे की कहानी सामने आई है। 40 से ज़्यादा जो है वो मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड मिनीस वगैरह बरामद किए गए हैं। इसमें 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो हिंबाहड़ा, लुधियाना और नीमच के रहने वाले हैं, जो ये बैटिंग का कार्य कर रहे थे। मुख्य आरोपी अभी पकड़ा नहीं जा सका है जिसके लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं और ये पूरी रिकवरी और पूरी कार्रवाई को लेकर हमने जो एजेंसी जिसमें है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में कैश और कुछ मेटल भी, प्रेशियस मेटल भी रिकवर किए गए हैं जो अनअकाउंटेड फॉर है, उसके लिए जो है आईटी और एजेंसीज को भी सूचना दी जा रही है ताकि वो भी अपने स्तर पर वेरीफाई करके इसमें कार्रवाई कर सके। अब खुलासा नंबर 2, पंजाब, राजस्थान, एमपी के नीमच से पंटर लेकर पीयूष ने करीब 6 महीने से ये कारोबार चला रहा था, जिसने पंटर यानी इन सटोरियों को बकायदा आईडी पासवर्ड दिए। एक ऐसी लाइन भी थी जिससे इंटरनेशनल बुकीज से ये पंटर लगातार कम्युनिकेशन में रहते, यानी कौन सी बड़ी बाजी लगानी है। मुनाफे का वो कारोबार जिसमें करोड़ों का खेल है, सोचिए जरा एक ही मैच में लाखों का खेल। आरोपी है उसके लिए हमने एक लुकआउट सर्कुलर जारी करा दिया है जिससे वो विदेश ना भाग पाए, परंतु फिर भी हमारी टीमें रात भर से लगी हुई, उसके परिजन हमारे संपर्क में हिरासत में, उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं उसके वेयर अबाउट्स के लिए। अभी जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसको खंगाला जा रहा है। करोड़ों का कैश ही बरामद नहीं हुआ बल्कि इंटरनेशनल करेंसी भी बरामद की गई है और मुझे लगता है इसमें और भी कई लोग हैं जिसके तार कई देशों से भी जुड़े हुए हैं जहां के माध्यम से ये बैटिंग करते थे, तो उसके संबंध में भी हमारी साइबर की टीम अभी एनालिसिस करेगी।
अब तक 9 सटेरिया पर शिकंजा कसा है। मास्टरमाइंड पीयूष की गुनाहों का काला चिट्ठा खंगाला जा रहा है। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बुलेटिन